नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 2000 के नोट पर आरबीआई ने जारी किया फरमान। 1 जून से बंद होंगे राज्य के सभी सरकारी स्कूल। फलदार पौधे लगाने के अनुदान के लिए आवेदन की हुई शुरुआत। खिलाड़ियों के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल, अब सीधे कर सकते हैं आवेदन। बागेश्वर धाम ने वीडियो शेयर कर बिहार के लिए लिखा ये बात। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 2000 के नोट पर आरबीआई ने जारी किया फरमान। बहुत जल्द ही पूरे देश से आरबीआई के द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही आरबीआई के द्वारा यह भी साफ कर दिया गया है कि देश में 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के नोटों को 23 मई 2023 से अगर कोई भी व्यक्ति बैंक में एक्सचेंज कराने आता है तो एक समय में सिर्फ 20,000 रुपए ही एक्सचेंज हो सकेंगे। वहीं बैंकों में 2000 रुपए को 30 सितंबर 2023 तक ही बदला जा सकेगा। ऐसे में अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं तो आप 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में दे सकते हैं। 1 जून से बंद होंगे राज्य के सभी सरकारी स्कूल। इन दिनों पूरे देश के लोगों को भीषण गर्मी का मार सहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को भी उठानी पड़ रही है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि ऐलान बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को लेकर है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए ऐलान के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की शुरुआत 1 जून से हो रही है, जो कि पूरे 1 महीने रहेगी। इसके साथ ही अगर प्राथमिक स्कूल का बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका इलाज भी सरकार की ओर से करवाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से एक टोल फ्री नंबर 104 भी जारी किया गया है, जिस पर बच्चे के बीमार पड़ने की जानकारी दी जा सकती है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे किशोर कुणाल के बारे में। किशोर कुणाल भारत के बिहार राज्य से भारतीय पुलिस सेवा के एक पूर्व अधिकारी हैं। अपने पुलिस करियर के दौरान उन्होंने अयोध्या विवाद पर विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच मध्यस्थता करने के लिए प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा विशेष कर्तव्य के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के प्रीमियर के दौरान इस पद पर काम करना जारी रखा। बता दें कि 2008 में उन्हें सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार मिला। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा कुणाल को प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार भगवान महावीर फाउंडेशन चेन्नई द्वारा स्थापित किया गया है। आचार्य कुणाल यह पुरस्कार पाने वाले बिहार झारखंड के पहले व्यक्ति हैं। उनका चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता वाली एक जूरी द्वारा किया गया था। फलदार पौधे लगाने के अनुदान के लिए आवेदन की हुई शुरुआत। अगर आप भी उन किसानों में हैं जो आम, केला और अमरूद जैसे फलदार पौधे लगाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार राशि न होने के कारण नहीं लगा पा रहे, तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि सरकार की ओर से फलदार पौधे लगाने के लिए 50% अनुदान दिए जाते हैं। ऐसे में वो किसान जो फलदार पौधे लगाना चाहते हैं, वे इस अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 30 जून तक रहेगी। ऐसे में इच्छुक किसान आवेदन करने के लिए horticulture.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले किसानों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने अनिवार्य है, जिनमें जमीन का अपडेट रसीद, आधार कार्ड, पहचान पत्र, फोटो और बैंक पासबुक शामिल है। पेयजल की बर्बादी रोकने में सहायता करेंगी जीविका दीदियां। राज्य में गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में राज्य के कई जिलों में पेयजल की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED के द्वारा जल चौपाल लगाया जा रहा है। बता दें कि इस जल चौपाल में लोगों को पानी की बर्बादी, उसके इस्तेमाल सहित कई अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मालूम हो कि लोगों को यह जानकारी विभाग के साथ ही संबंधित पंचायत के लोग और जीविका दीदियों के द्वारा दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चौपाल 7 बिंदुओं पर लगाया जाएगा, जिसमें पानी की शुद्धता, पानी की जांच, पानी के सप्लाई की अवधि, शिकायतों का निस्तारण, पानी की बर्बादी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की वास्तविक स्थिति और फीडबैक शामिल है। मालूम हो कि इसके पहले चरण की शुरुआत दरभंगा और वैशाली में की जाएगी और फिर मिली सफलता को देखते हुए इसे राज्य के अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल, अब सीधे कर सकते हैं आवेदन।
कुछ समय पहले बिहार सरकार के द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को लेकर घोषणा की गई थी कि वैसे सभी खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो वह सरकारी नौकरी के योग्य होंगे। बता दें कि इसके लिए बीते दिन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया और साथ ही खिलाड़ियों के लिए खेल नियुक्ति पोर्टल भी लॉन्च किए गए। यानी कि अब राज्य के वे सभी खिलाड़ी जो सरकारी नौकरी पाने के योग्य होंगे वह खेल नियुक्ति पोर्टल पर जाकर सीधे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बीते दिन इस उद्घाटन कार्यक्रम में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय भी शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव के द्वारा यह भी कहा गया कि पटना का मोइनुल हक स्टेडियम देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही यहाँ के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का भी निर्माण होगा। बिहार में पंचायत और गांव जुड़ेंगे जरूरी संस्थानों से। राज्य सरकार की ओर से बिहार के ग्रामीण इलाकों में बेहतरीन सुविधा पहुंच सके और साथ ही लोगों को भी सारी सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए सात निश्चय भाग दो के तहत एक योजना बनाई गई है। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा मुख्य सड़कों से अधिक दूरी वाले पंचायतों और गाँवों को क्षेत्रीय विधायक और विधान पार्षदों की सलाह पर सड़क बनाकर जरूरी संस्थाओं से जोड़ा जाएगा। बता दें कि अगर इस कार्य को करने के लिए जरूरत पड़ी तो बाईपास का भी निर्माण किया जाएगा। मालूम हो कि इस नई योजना के तहत प्रशासनिक इकाई, बाजार, स्वास्थ्य, शैक्षणिक, पर्यटन, यातायात, बैंक, फ्यूल स्टेशन, एमएसएमई की इकाई, एफ्लर्ट सेल्टर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य सड़कों से अधिक दूरी वाले पंचायत और गांवों के सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपी गई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे जलप्पा स्थान के बारे में। जलप्पा स्थान लखीसराय का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आपको जलप्पा माता के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह मंदिर प्राचीन है। यहाँ पर मंगलवार को बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर जो कोई भी अपनी मनोकामना मांगेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पर हर सोमवार को आते हैं। जलप्पा मंदिर लखीसराय में चानन गाँव के पास स्थित है। मंदिर के आसपास प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको पहाड़ी का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। मंदिर में सभी देवी देवताओं को दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ आकर अच्छा लगता है। आप लखीसराय घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। दरभंगा में सीएम नीतीश ने बाढ़ को लेकर किया एडवांस प्लानिंग। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने रिंग बांध का लोकार्पण किया और साथ ही कोठराम दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में कमला बलान बाया एवं दाया तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा शीर्ष पर पक्कीकरण कार्य फेज दो का कार्यारंभ किया। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि कमला बलाना के दोनों तटबंधों का काम जल्दी से पूरा किया जाए। जल संसाधन मंत्री संजय झा की तरफ देखते हुए कहा गया कि कहां गए आपके अधिकारी जो यहां आए हुए हैं, हमारी बात मानिएगा कि नहीं, तेजी से काम करवाइएगा कि नहीं, को ठेका दिए हुए हैं तो आप लोग लगकर तेजी से काम करवा दीजिएगा तो खुशी होगी। अभी हम नहीं बताएंगे लेकिन हम ऊपर से जाएंगे हेलीकॉप्टर तो देखेंगे कितना काम हुआ है। 2009 से हम यहां कितना काम करवाए हैं, अब देख रहे हैं ना कितना बढ़िया रास्ता बन गया है। हमारी इतनी बात मान लीजिए, इस बार जो बाढ़ तार की स्थिति आएगी ना तो फिर आएंगे देखने के लिए क्या हुआ है, इसलिए तेजी से काम करवाइए ताकि कोई संकट का सामना ना करना पड़े। बिहार की राजधानी से इन जिलों के लिए 20 नए रूटों पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना से राज्य के अन्य जिलों के 20 नए रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत की जाने वाली है। बता दें कि यह कदम परिवहन विभाग के द्वारा बिहार में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में पटना से विभिन्न रूटों पर 25 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन हो रहा है। ऐसे में बहुत जल्दी 20 अन्य रूटों पर भी लगभग 40 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के जिन जिलों के विभिन्न 20 रूटों पर इलेक्ट्रिक बस के परिचालन की शुरुआत की जाने वाली है उनमें गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और नालंदा शामिल है। मालूम हो कि बसों के परिचालन को लेकर अगस्त से पहले तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए अगले माह से रूटों के मुताबिक आवेदन मांगने की शुरुआत की जाएगी। पटना के महावीर मंदिर ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर ने रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि यह मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी प्रतिदिन आय 10 लाख रुपए है। मालूम हो कि महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा बीते दिन महावीर मंदिर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 1986 में महावीर मंदिर के पास कोई भूखंड नहीं था, लेकिन आज इस मंदिर के पास बिहार में 125 एकड़ जमीन है। इसके साथ ही महावीर मंदिर पूर्वी चंपारण के केसरिया के पास विराट रामायण मंदिर बना रही है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि महावीर मंदिर पटना से बाहर 5 प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। उन्होंने बताया कि काशी, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों के अलावा महावीर मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भक्तों से हर रोज 10 लाख रुपए की आय हो रही है। इस धार्मिक कार्यों के अलावा अस्पताल से लेकर दूसरे सामाजिक काम किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के वाणिज्य कर विभाग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची पटना।
बीते दिन राजस्थान सरकार के वाणिज्य कर विभाग की 3 सदस्यीय टीम बिहार के द्वारा जीएसटी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के अध्ययन करने को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उत्सव कौशल विशेष आयुक्त के नेतृत्व में 2 दिवसीय दौरे पर बिहार की राजधानी पटना पहुंची है। बता दें कि इस 3 सदस्यीय टीम में जो लोग शामिल है उनमें नाम शालीन उपाध्याय अपर आयुक्त प्रवर्तन एवं ताराचंद मेघवा संयुक्त आयुक्त प्रवर्तन है। बता दें कि बीते दिन राज्य कर आयुक्त सह सचिव वाणिज्य कर विभाग के द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि विभाग द्वारा सेवा प्रक्षेत्र जैसे रियल एस्टेट बैंकिंग एवं इंश्योरेंस प्रक्षेत्र टेलीकॉम ई कॉमर्स मैरिज हॉल कोचिंग संस्थान जैसे सर्विस सेक्टर से कैसे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वाणिज्य कर विभागों के प्रयासों को केंद्र सरकार के द्वारा भी उत्तम माना गया है। इसके साथ ही राजस्थान से आए राज्य के पदाधिकारियों के द्वारा भी अपने राज्य में प्रयुक्त नवीनतम तकनीक एवं उत्कृष्ट प्रथा को साझा किया और साथ ही बिहार में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। बता दें कि इस 2 दिवसीय दौरे में राजस्थान से आई टीम के द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत वाणिज्य कर विभाग बिहार सरकार किए जा रहे नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिस को अध्ययन किए जाएंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे 48 नए वोकेशनल कोर्स। इस साल से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स 3 साल के बजाय 4 साल कर दिए गए हैं। ऐसे में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही अब सभी विश्वविद्यालयों में 4 साल के स्नातक कोर्स के साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी के निर्देश के बाद 48 नए वोकेशनल कोर्स को भी जोड़ दिया गया है, जिसे विश्वविद्यालय की ओर से अपने संसाधन व व्यवस्था के अनुसार संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी की ओर से विश्वविद्यालयों को 7 वोकेशनल कोर्स को संचालित करने के लिए कहा गया है कि वह इग्नू सेंटर के साथ MOU साइन कर सकते हैं। बता दें कि जिन 7 विषयों के लिए MOU साइन करने को विश्वविद्यालयों को कहा गया है उनमें फैशन डिजाइनिंग, योगा एंड फिटनेस, हार्टिकल्चर एंड गार्डन सुपरवाइजिंग, बीकीपिंग ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड टूर ऑपरेशन, इवेंट मैनेजमेंट व डेयरी टेक्नोलॉजी शामिल है। बिहार में बादल छाने से मौसम हुआ सुहाना। बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो रही है तो कुछ जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है। बिहार में बादल छाने से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तरी हिस्से में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है, वहीं दक्षिणी हिस्से में मौसम सामान्य रहेगा। 21 मई को पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में एक्टिव है, वहीं दूसरा विक्षोभ बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, इस कारण प्रदेश में वर्षा की गतिविधि अगले 3 दिनों तक बनी रहेंगी। कुपोषण मिटाने के लिए राज्य के 14 जिलों में लागू होगा पूर्णिया मॉडल। राज्य से कुपोषण को मिटाया जा सके इसके लिए राज्य के 14 आकांक्षी जिलों में पूर्णिया मॉडल को लागू किया जाएगा। बता दें कि इस मॉडल के तहत अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र और कुपोषण पुनर्वास केंद्र में ले जाने से पहले सामुदायिक स्तर पर देखभाल की जाएगी। बता दें कि इसके लिए ICDS, स्वास्थ्य विभाग और जीविका मिलकर काम करेंगे। मालूम हो कि पूर्णिया में जब उन कुपोषित बच्चों की सामुदायिक स्तर पर देखभाल की गई जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाने का प्रावधान नहीं है, उनमें 70% बच्चों में पोषण में सुधार आया। इसी को देखते हुए इसे अन्य 14 जिलों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जिन 14 आकांक्षी जिलों में इसे लागू किया जाएगा उनमें अररिया, गया, बेगूसराय, कटिहार, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, औरंगाबाद, शेखपुरा, जमुई, बांका और मधुबनी के नाम शामिल हैं। डिजिटाइजेशन में चूके जमाबंदी की जांच में गड़बड़ी मिलने पर CO पर गिरेगी गाज। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य में डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी की जांच होगी और इस दौरान अगर जमाबंदी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उससे संबंधित दोषी अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि बिना साक्ष्य वाली जमाबंदी या रायती जमीन से अलग स्वरूप की जमीन की जमाबंदी को नियमानुसार रद्द किया जाएगा और साथ ही जमाबंदी को ऑनलाइन करने वाले अंचलाधिकारी और जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कार्रवाई अपर समाहर्ता द्वारा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह निर्देश जमाबंदी में कई तरह की आ रही शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। आनंद मोहन की रिहाई मामले में इस दिन होगी सुनवाई। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JS पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के द्वारा बिहार के बाहुबली और पूर्व विधायक आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ गोपालगंज की तत्कालीन DM जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि उमा कृष्णैया की मांग है कि राज्य सरकार के द्वारा आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जो फैसला लिया गया है उसे रद्द करके उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाए। वहीं कोर्ट के द्वारा बीते दिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कहा गया कि वह इस मामले में जवाब दाखिल करे और इसके साथ ही मामले से जुड़े ओरिजिनल दस्तावेज भी जमा करे। बता दें कोर्ट के द्वारा सरकार को जवाब देने के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया गया है, यानी कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 अगस्त को की जाएगी। बागेश्वर धाम ने वीडियो शेयर कर बिहार के लिए लिखा ये बात।
13 से 17 मई तक बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। ऐसे में बागेश्वर धाम के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें हनुमंत कथा से जुड़ा वीडियो है। बता दें कि इस वीडियो में लोगों की भारी भीड़ देखने की मिल रही है। मालूम हो कि इस वीडियो में एक भोजपुरी गीत बज रहा है, जिसके बोल दबंगों के दबंग, जीत लेला हर जंग, सारी दुनिया में बात तोड़े बोल बाला हो, जिया जिया हो बिहार के लाला है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि जिया जिया हो बिहार के लाला हो। इस वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी भजन गाते प्रतीत हो रहे हैं, वहीं उनके भक्त जनों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में अब लोगों को नहीं खरीदना होगा बाहर का पानी। अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आने वाले मरीज या मरीज के परिवार वालों को बोतल बंद पानी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि इसको लेकर अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय के द्वारा सभी मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उनके द्वारा दिए गए निर्देश के तहत अब अस्पताल में मरीजों को और उनके परिजनों को मिशन परिवर्तन के तहत पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि बिहार के मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में पीने का पानी मिलने से मरीजों के जेब पर थोड़ा कम भार पड़ेगा और साथ ही पीने के लिए स्वच्छ पानी भी मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिशन परिवर्तन के तहत जो काम किया जाना है उसका पॉइंट ऑफ एक्शन तैयार किया गया है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव का बयान। बीते दिन शुक्रवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई लगातार रेड मार रही है, उन्हें पता भी नहीं है कि अब तक कितनी बार उन्होंने हमारे घर पर छापेमारी की है और पूछताछ की है। मेरा नाम भी चार्जशीट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा नाम सप्लीमेंट्री में जोड़ा गया है, तो हैरानी की बात तो होगी ही। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ सरकार बनने के बाद शुरू हुआ है। कर्नाटक चुनाव परिणाम से बीजेपी घबराई हुई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, हमने कई छापे और कई एजेंसियां सब देखी हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे जुर्माने को लेकर जेडीयू का बयान। बीते दिन बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए सीट बेल्ट न लगाने के कारण 1,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। वहीं अब इस मामले को लेकर जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा तंज कसते हुए एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम गाड़ी में बैठेंगे और सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप मीडिया वाले लोग कहिएगा कि बिना सीट बेल्ट लगाए घूम रहे हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि बिहार में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर चाहे नेता हो, चाहे बाबा हो, जनता हो या फिर कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, सबको नियम पालन करने की जरूरत है। जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने के इरादे से उतरेगी सीएसके और एलएसजी। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में 2 मैच खेले जाने हैं। बता दें कि सबसे पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाना है। बतौर कप्तान डेविड वार्नर और एमएस धोनी आमने सामने होंगे। दिल्ली प्लेऑफ की रेस से बाहर है, लेकिन वह जीत कर सीएसके का काम बिगाड़ भी सकती है। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का ये ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच है। सीएसके प्लेऑफ में पहुंचने की मजबूत दावेदार है, अंक तालिका में नंबर 2 पर भी रह सकती है। जो टीम नंबर 2 पर रहेगा उसे आईपीएल फाइनल में पहुंचने के प्लेऑफ में 2 मौके मिलेंगे। पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस ने अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में 7:30 बजे से खेला जाना है। बता दें केकेआर और एलएसजी 16वें सीजन में पहली बार आमने सामने होने वाली है। दोनों टीमें लीग का अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगी। वहीं लखनऊ जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, लेकिन केकेआर के लिए प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना काफी मुश्किल है। आज होने वाले ये दोनों मैच बेहद ही रोमांचक हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा अर्थज्ञ मनमोहन सिंह जी को देश के अर्थव्यवस्था में किए गए व्यापक सुधार के लिए साल 1996 को आज ही के दिन यानी 20 मई को ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुने जाने संबंधित की घोषणा हुई थी। साल 2000 में आज के दिन ही पूर्व लोकसभा अध्यक्ष MC बाल योगी जी की संसद के राष्ट्रकुल संगठन के एशियाई अध्यक्ष पद पर सर्वदलों के द्वारा समर्थन द्वारा नियुक्ति की गई थी। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ों की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की। झारखंड के पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने 2011 को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक राजकुमार शुक्ल का निधन 1929 में हुआ। भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल का निधन 20 मई 1932 में हुआ था।
बालखर में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम रिपोर्ट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम रिपोर्ट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए तत्कालिक सेवा 1-5-5-2-6-0 शुरू की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हां, लेकिन इस सेवा के नंबर को बदलकर 1-9-3-0 कर दिया गया है। साइबर क्राइम संबंधित शिकायत cybercrime.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है। व्हाट्सएप पर चैट को ऐसे करे हाइड। व्हाट्सएप ने नया प्राइवेसी फीचर पेश किया है। अगर आपको हमेशा यह डर लगता रहता है कि कोई आपके पार्टनर की चैट न पढ़ ले तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप आपके लिए चैट को लॉक करने का फीचर ले आया है। बता दें कि आपको व्हाट्सएप चैट लॉक फीचर चैट इन्फो सेक्शन में मिल जाएगा। आप जिस पार्टिकुलर चैट को लॉक करना चाहते हैं उसे ओपन करें। अब इन्फो सेक्शन पर जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और चैट लॉक विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपको अपने फिंगरप्रिंट से चैट को लॉक करने का साइन मिलेगा। इसके बाद चैट ऐप के सिक्योर फोल्डर में चली जाएगी। जब भी आप चैट को खोलना चाहें आप केवल लॉक फोल्डर पर टैप करें, चैट सेलेक्ट करें और इसे अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लें। आईफोन यूजर्स फेस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फीचर सभी यूजर के लिए रोल आउट हो चुका है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुकेश राम, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, रमन कुमार, अनवर करीम खान, विद्यासागर, सदुल्लाह पलवी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रामनवी मांझी, रितेश रंजन, रोशन वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जल संकट की समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहाई न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।